अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इयत्ता सातवी, विषय मराठी, पाठ क्रमांक 5, अरुणा आसफ अली, लेखिका डॉक्टर इंदुमती यार्दी। 1926 ते 2015, प्रसिद्ध लेखिका, भारतरत्न हे पुस्तक प्रसिद्ध। भारतकन्या अरुणा आसफ अली यांनी देशाच्या राजकारणात व समाजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात त्यांना क्रांती ज्वाला म्हणून ओळखले जाते। त्यांच्या विविधांगी कार्यांचा परिचय प्रस्तुत पाठात करून दिला आहे। सदर पाठ भारतरत्न या पुस्तकातून घेतलेला आहे। बच्चों, आज का ये जो सबक है, इसमें हम अरुणा आसफ अली इनके मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। अरुणा आसफ अली ये वो खातून थी जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम किरदार अदा किया था। और ये जो सबक है, ये एक किताब है भारत रत्न, जो डॉक्टर इंदुमती यार्दी ने इस किताब को लिखा है, उस किताब से इस सबक को लिया गया है। और इस पैराग्राफ में एक और बात आई है जो कि क्रांति ज्वाला, ये असल में इनको इस नाम से याद किया जाता है, अरुणा आसफ अली को, क्रांति ज्वाला यानी इनकलाब की चिंगारी, इसको उर्दू में अगर हम इसका तर्जुमा करें। तो चलिए लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। अरुणा आसफ अली यानी वयाच्या 21व्या वर्षी स्वातंत्र्य संग्रामात उड़ी घेतली, यानी अरुणा आसफ अली ने ये उम्र के 21वें साल में जो है हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। त्यांनी देशाचे स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी यानी आज़ादी के लिए, आपले उभे आयुष्य, अपने पूरा अपना अपना अपनी पूरी जिंदगी, उभे आयुष्य पूरी जिंदगी वेचले, यानी जो है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को बेच दिया, लगा दिया। समाजाच्या उन्नतीसाठी अपार परिश्रम घेतले, यानी समाज की तरक्की के लिए, उन्नतीसाठी तरक्की के लिए अपार परिश्रम, यानी बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मेहनत की, कोशिशें की, जिद्दोजहद की। भारत कन्या अरुणा आसफ अली यानी देशाच्या राजकारणात हिरी हिरी ने भाग घेतला, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तर समाज कारणात पुढाकार घेऊन, इसी तरह से समाज की तरक्की के लिए आगे बढ़कर, पुढाकार घेऊन यानी आगे बढ़कर देशाची उत्तम सेवा के लिए, मुल्क की बेहतरीन खिदमत की, उत्तम सेवा यानी बेहतरीन खिदमत की। भारतीय स्वातंत्र लड़ाईचा इतिहासात, हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में, इतिहासात तारीख को कहते हैं, क्रांति ज्वाला म्हणून इनका लकब है, क्रांति ज्वाला इन्हें कहा जाता है, क्रांति ज्वाला म्हणून त्या ओळखल्या जाता, उन्हें जाना जाता है, किसे, अरुणा आसफ अली को। त्यांचे कार्य विविधांगी असून, उनके काम मुख्तलिफ होते हुए, विविधांगी कहते हैं मुख्तलिफ को, त्यांचे कार्य विविधांगी असून त्यांच्या कामाचा आवाका प्रचंड होता, त्यांच्या कामाचा आवाका यानी उनके जो काम की जो ताकत थी, आवाका कहते हैं ताकत को, शक्ति को, प्रचंड होता, अजीम थी, बहुत ज़्यादा थी। उनके काम मुख्तलिफ थे लेकिन कामों के अंदर एक ताकत थी। कोणते ही काम तत्परतेने यानी भी किसी भी काम को जल्दी से, निस्वार्थी, बगैर किसी जो है वो बगैर किसी खुदगर्जी के, निस्वार्थी वृत्ति ने यानी बगैर किसी जो है वो चाहत के, निश्चयी बाणने पाड़ पाड़ने की यानी एक मकसद के तहत एक नस्पुल ऐन बनाकर पूरा करने की ज़बरदस्त ज़बरदस्त ताकत त्यांच्या ठाई होती, एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत उनके अंदर मौजूद थी। पार तंत्र्यातून देशाची मुक्ती हा त्यांच्या आयुष्याचा ध्यास होता, यानी अंग्रेज़ों की जो गुलामी में हिंदुस्तान था, उससे मुक्ति मिलना यानी उससे आज़ादी मिलना, ये उनका जो है वो उनकी ज़िंदगी का ध्यास था, आयुष्याचा ध्यास होता, उनकी ज़िंदगी का मकसद था। सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलनात अरुणाबाईंनी महत्वाची भूमिका बजावली होती। 1942 के भारत छोड़ो ये जो मुहिम चली थी, उसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। 9 अगस्त
1942 रोजी मुंबईतील ग्वालियर टँक येथे त्यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला व नंतर भूमिगत होऊन स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय राहिल्या। यानी 1942 के 9 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालिया टैंक के मकाम पर उन्होंने हिंदुस्तान का जो तिरंगा है उसे जो लहराया और उसके बाद वो भूमिगत हो गई यानी अंडरग्राउंड होना यानी छुपकर जो है वो हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए सरगर्म रही सरगर्म रही। त्यांनी क्रांतिकारक तरुणांची मजबूत फड़ी उभी केली। उन्होंने जो इनकलाबी नौजवान थे उनको मुत्तहिद करना शुरू किया, फड़ी उभी केली यानी उन लोगों को जमा करना शुरू किया, मुत्तहिद किया, चले जाओ चळवळ चालवण्यासाठी भूमिगत समिति स्थापन करण्यात आली। यानी ये जो चले जाओ मुहिम, अंग्रेजों चले जाओ, ये एक मुहिम चली थी तो उसके तहत भूमिगत समिति यानी भूमिगत समिति कहेंगे कि जो लोग अंडरग्राउंड होकर और अंग्रेज़ों की निगाहों से छुपकर जो है वो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जो कोशिशें किया करते थे तो उस कमेटी की जो है उन्होंने बुनियाद रखी। त्यात जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया व अरुणाबाई ही मंडली होती और उस कमेटी के अंदर ये अफराद थे जिनका भी जिक्र हुआ। यह मंडली ने भारतीय लोकांच्या मनात इंग्रज सरकार विरुद्ध जबरदस्त विरोध निर्माण केला और इस कमेटी का जो अहम काम था वो ये था कि इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों के अंदर एक ज़बरदस्त जो है वो विरोध यानी मुखालिफत का जज्बा पैदा किया। अरुणाबाई ना पकड़ने इंग्रज सरकार ने बख्शिश जाहिर के लिए होते, इन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने इनाम का ऐलान किया था। पोलिसांच्या ससेमीरा चुकवत त्यांनी क्रांतीचा संदेश सर्व दूर पसरवला। यानी पुलिस की निगाहों से बचकर उन्होंने जो है इस आज़ादी के पैगाम को जो है वो दूर तक फैलाया। देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरंगवास भोगला। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो कई मरतबा जेल भी गई, तुरंगवास भोगला यानी जेल में रहना। अनेकांच्या प्रयत्नामुळे 15 अगस्त 1947 साली आपला देश स्वतंत्र झाला। कई लोगों के की कोशिशों के बाद, जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। अरुणाबाईंच्या सार्वजनिक कामाचा व्याप प्रचंड होता। उनके ये सारे काम अरुणा आसिफ अली के ये जो है वो काम बड़े ही अजीम थे। दिल्लीच्या पहिल्या महापौर म्हणून त्या निवडून आल्या और उनका जो इंतखाब हुआ वो दिल्ली की पहली मेयर के तौर पर हुआ। प्राउड साक्षरता यानी बड़ों के लिए तालीम, रोज़गार इसी तरह से रोज़गार, वैद्य की सुविधा यानी जो दवाई की जो सुविधाएं होती है आदि योजना त्यांनी राबवल्या। इस तरह की योजनाओं को उन्होंने जो है उस पर उसकी शुरुआत की। त्यांचा समाजवाद, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता या तत्वांवर विश्वास होता। वो हिंदुस्तान में जो है जमहूरियत और धर्मनिरपेक्षता इन मुद्दों पर जो है उनका बहुत ज़्यादा यकीन था, विश्वास होते, यकीन होना, भरोसा होना, लोकशाही जमहूरियत को कहते हैं। ठीक है, दिल्लीच्या गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वो मजदूर युनियनला बळकटी आणण्यासाठी अरुणाबाईंनी पुढाकार घेतला। इनके जो अहम काम थे उसमें से एक है कि दिल्ली के जो गिरनी मजदूर थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किए। इसी तरह से मज़दूर यूनियन, उनको बड़कटी आणण्यासाठी यानी उस मज़दूर यूनियन को ताकत देने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए, बड़कटी आणण्यासाठी यानी उस यूनियन को मजबूत बनाने के लिए आणण्यासाठी अरुणाबाईंनी पुढाकार घेतला। यानी वो आगे बढ़कर उस काम को वो करने लगी, पुढाकार घेतला यानी उस काम की उन्होंने शुरुआत की।
तुरुंगातील कैद्यांचे प्रश्न, यानी जेल में जो कैदी होते थे उनके जो मसाइल थे, तुरंग सुधारना, इसी तरह से जेल के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दूर करना, अशा बाबींकडे ही त्यांनी लक्ष पुरवले। इन बातों की तरफ भी उन्होंने जो है ध्यान दिलवाया सरकार का। प्रत्यक्ष देश कार्य करत असताना त्यांनी कसल्याच गौरवाची अपेक्षा ठेवली नाही, और इस तरह से जो है वो देश कार्य यानी मुल्क के लिए खिदमत करते हुए उन्होंने कभी भी किसी जो है वो किसी इनाम की उम्मीद नहीं की, अपेक्षा ठेवली नाही, यानी किसी इनाम की उम्मीद न रखना। भविष्यात यानी मुस्तकबिल में, भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे, यानी मुस्तकबिल में हिंदुस्तानियों ने मुझे देशभक्त के तौर पर मुझे याद रखना ये मेरी चाहत है, ऐसा उनका मानना था। अशी त्यांची भावना होती। भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात बजावलेल्या देदी पैमान कामगिरीचा गौरव म्हणून अरुणा आसिफ अली यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान 1997 साली मरणोत्तर बहाल करण्यात आला। यानी हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी में उनकी खिदमत है, उसके एवज़ उन्हें मरने के बाद भारत रत्न, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो 1997 को उस साल में उन्हें मरने के बाद दिया गया।